lesson in classes. Guys, today we are going to do some questions based on clock and reasoning for SSC banking and railway with Quick Trick. But before I start this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLB Classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And follow me on Instagram and my Facebook group. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस, आज का क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन वन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक कंसाइड। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन बता रहा है कंसाइड की। ओके, इसके पहले मैंने वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने ये बताया था कि थ्री कंडीशंस है टाइप थ्री में। टाइप थ्री में थ्री कंडीशन है, कंडीशन वन, कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री। ये मैंने उस वीडियो में बताया है। कंडीशन वन में क्या था कि जो नीडल है यानी आर हैंड एंड मिनट हैंड, ओके, कंसाइड करेंगे एक दूसरे पर। ठीक है, कंडीशन टू में क्या था, आर एंड मिनट हैंड क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अपोजिट, यानी एक इस डायरेक्शन में है तो एक उसके जस्ट अपोजिट था। ओके, और कंडीशन थ्री में क्या था, आर एंड मिनट हैंड क्या कर रहा था, राइट एंगल बना रहा था। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। कंसाइड में क्या था, मिनट क्या बना रहा था, जीरो, अपोजिट में 30 मिनट बना रहा था और राइट एंगल में 15 मिनट। ये कंडीशंस मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कीजिए। ओके, ये कंडीशन सारे टाइप थ्री के हैं, इसके पहले मैंने टाइप वन भी बताया है और टाइप टू भी बताया। ओके, तो आप टाइम टू टाइम सारे वीडियोस देख लीजिए। ओके गाइस, सो गाइस अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम। ओके, तो पूछ रहा है 6 और 7 o'clock में दोनों में क्या है, कंसाइड अगर हो रहा है। ओके, ये क्लॉक है 12, 3, 9, 6, ओके, 7 यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में कंसाइड हो रहा है, यानी ये मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे पर कंसाइड हो रहा है, एक दूसरे पर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये नीडल यहाँ पर होता तो इतना डिफरेंस आता। ठीक है, आर हैंड मान लीजिए यहाँ होता तो इतना डिफरेंस आता, लेकिन ये एक दूसरे पर कंसाइड कर रहा है, एक दूसरे पर आ जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या होगा, 0 मिनट यहाँ पर आएगा, क्योंकि डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0 मिनट लेंगे। और मैंने जब भी हम लोगों को टाइम निकालना है, ओके, एट व्हाट टाइम, तो टाइम है 12 by 11, ओके, फिर आर वन यानी जो फर्स्ट आर दिया है, 6 और 7 के बीच में जो पहला आर गिवन है, जो पहला घंटा गिवन है, जो पहला टाइम गिवन है, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर प्लस माइनस यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा, कंसाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कंसाइड का क्या होगा, 0 मिनट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अपोजिट होता तो यहाँ पर हम लोग अपोजिट लेते, ठीक है, और यहाँ पर राइट एंगल होता तो राइट एंगल लेते। ओके गाइस, तो जल्दी जल्दी पुट करेंगे, 12 by 11, 6 आर वन क्या है, 6 प्लस माइनस 0, ओके, 12 by 11 into 30, यहाँ का 0 मीन्स कुछ नहीं। ठीक है, 360 divided by 11 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 11 और ये 8 पास्ट 6। ठीक है, यहाँ पर 6 है इसलिए पास्ट 6 लेंगे, ये आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए।